नमस्कार, मैं हूं विदिशा शांडिल्या और आप सब देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा दिए गए बयान के कारण उनका जगह जगह विरोध होना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि हरियाणा के कृषि मंत्री द्वारा पिछले दिनों मीडिया के सामने किसानों की शहादत को मजाक बनाते हुए कहा गया था कि इतने किसान तो घर पर भी मर जाते हैं, जिसका पूरे प्रदेश में जोरदार विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में उनका विरोध करने के लिए आज इंडियन नेशनल लोकदल शाखा ग्राउंड कार्यालय में पार्टी के किसान मोर्चा के नेता फूल सिंह मंजूरा की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वह मीडिया से भी रूबरू हुए। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि जेपी दलाल का ये बयान बेहद निंदनीय है, जिसका खामियाजा उनको आने वाले दिनों में हरियाणा की जनता देगी। उन्होंने कहा कि किसान पिछले 3 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और अपने हकों की मांग कर रहे हैं। वह कृषि के क्षेत्र में लाए गए 3 काले कानूनों को वापस करने की मांग कर रहे हैं, परंतु हरियाणा के कृषि मंत्री किसानों की शहादत को मीडिया के सामने मजाक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसकी इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा कड़े शब्दों में निंदा की गई है। इस मौके पर ओम प्रकाश सलूजा, कुलदीप मान सहित बड़ी संख्या में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसान सेल के नेता मौजूद रहे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाने का मेन उद्देश्य है, जो कई महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, जो 3 काले कानून कृषि पर लाभ थोपे गए हैं, इसके विरोध में जो किसान दिल्ली पर धरने पर बैठे हैं और लगभग 80 दिन धरने पर बैठे हो गए हैं, परंतु केंद्र सरकार व हरियाणा प्रदेश सरकार ने आज तस से मस नहीं हुई है धरने के बारे में। और वहाँ पर 200-250 के करीब लोग जान गुवा चुके हैं और इतनी ठंड में महिलाएं, बच्चे, किसान इतनी ठंड में वहाँ पर परेशान हैं और 80 दिन से जो लगातार धरना चल रहा है, परंतु किसानों के आज तक केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने कोई भी सुध नहीं ली। और जो हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, जब उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि 200-250 जो किसान गुजरे हैं, इनके बारे में आपके प्रधानमंत्री जी ने या आपके मुख्यमंत्री ने या आपने एक लफ्ज भी कोई इनके बारे में संवेदना व्यक्त नहीं की, तो आपने तो कृषि मंत्री का उल्टा यह बयान था, जो आपने जो किसान गुजरे हैं वो यहाँ गुजरे हैं तो वो घर भी गुजर सकते थे, ऐसा घिनौना बयान जो कृषि मंत्री ने दिया है, उसके लिए हम घोर निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री से की भी घोर निंदा करते हैं, जिन्होंने आज तक एक भी लफ्ज किसानों के प्रति नहीं बोला। और हम मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करते हैं भी इसको जल्दी से जल्दी बर्खास्त किया जाए मंत्रिमंडल से, और दलाल खाप से भी प्रार्थना करते हैं भी इसको जल्दी से जल्दी अपने खाप से निकाला जाए, क्योंकि ये किसानों के हम दर्द नहीं है, उल्टा किसानों पर नमक छिड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी यही प्रार्थना है आपसे। आज मीडिया साहब आपका स्वागत। पार्टी की तरफ से हमारे किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान जारी किया, मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ और सहमत हूँ। आगे बढ़कर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी, सुशासन का नारा देती थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी, सबका साथ सबका विकास का नारा देती थी, ये लगभग 80 दिन से किसान यहाँ बैठे हैं, सर्दी ठंड कपकपाती सर्दी में बैठे हैं, वहाँ 200 कुछ किसान शहीद हो चुके हैं, ना तो एक लफ्ज़ प्रधानमंत्री के मुंह से निकला आज तक उनके फेवर में, या उनकी मौत पर कोई दुख जताने का, बल्कि उनके जो मंत्री हैं यहाँ के, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, वो कहते हैं ये तो यहाँ भी मरते घर में भी मरते, ऐसी बात केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कह सकते हैं। ये इनकी असलियत धीरे धीरे बाहर आ रही है, जनता के सामने आ रही है, अब जनता देखेगी कि ऐसे लोगों को दोबारा चुनना है नहीं चुनना। इनकी बातों का जवाब अब इनको जनता ही देगी, क्योंकि ये तो सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं, इनका कोई इलाज नहीं। जो व्यक्ति सत्ता के नशे में चूर हो, उनका इलाज पब्लिक ही किया करती है लोकतंत्र में, और कोई दूसरा तरीका नहीं होता। हम तो चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द, जो मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि ये सबका साथ सबका विकास वाली बात करते हैं, सबको सम्मान देने की बात कहते हैं, उनको इनका अपने मंत्रिमंडल से निकालना चाहिए।